तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। भागी मुन्नी नहीं, भागी आपको भी हम मिलाने जा रहे हैं अपनी एल्सा से। तो मिलवाऊं एल्सा का बाहुला गिरी ओए तू थोड़ी हट चल जा चल एल्सा। तो गाइस जो लोग पुराने हैं ना, जो जो पुराने हैं, हाँ जो पुराने हैं वो एल्सा को जानते हैं, जो नए हैं वो नहीं जानते एल्सा को। एल्सा ने हमने अपने एक ब्लॉग में एल्सा को प्रोड्यूस भी करा था, इंट्रोड्यूस बोला। गाइस ऊपर आके बहुत डर जाती है, कभी मैं ना नीचे की वीडियो बनाऊंगा फिर दिखाऊंगा, देखिएगा कैसे स्पीड हुई हुई थी। अभी देखिए कितना डर रही है, और इसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। गाइस देखिएगा अभी मैं आगे जा रहा हूँ, मेरे पीछे आ रहा हूँ। गाइस के लिए दूध भी लेकर आया हूँ, दूध पिला रहा हूँ। एल्सा इधर आ। गाइस वो हमारी इतनी बात नहीं सुनती, ये नहीं सुनते, जब हमारी ज़्यादा बातें सुनते एल्सा नहीं सुनती। ऑफिस मैंने गंद कर दिया था उधर, तो वो साफ कर रहे उधर, उधर कचरा हो गया था तो उसको साफ करना। मुर्गों ने कर दिया था हमने ना, पौधों में गमले में डालने के लिए वो लेकर आए थे, बकरियों की जो मेनी होती है वो फिर नीचे गिरा दी उन्होंने। एल्सा क्यों डर रही है? गाइस आप देख रहे हैं कब से इधर ही बैठी हुई है, अभी आई थी हर जगह को एक्सप्लोर कर रही थी यार, एक हाथ से दूध पिला रहा हूँ एक हाथ से कैमरा पकड़ा। अब आ जाओ उल्टे हाथ में गाइस, पहले कैमरा सेट होता है सीधे हाथ में। गाइस कभी वो भूखे हो रहे, आज मैं अपने उनको क्या नाम है तोते को कोशिश करूँगा वो दूँ, क्या बोलते हैं बोलिए नहीं क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा, चावल दूँगा आज मैं सोच रहा हूँ, चावल करूँगा, चावल ला के डालूंगा सादे, चावल और पुदीना थोड़ा। देखिए कबूतर की मस्ती, आपको नहीं दिख रहा होगा बहुत दूर बैठा हुआ है, और आ गए जॉन भाई साहब। गाइस अंदर आ जाता है, ये जो गंद होता है ना या तो दाना गिरा होता है उसको साफ कर लेगा। जॉन भी आ गया, जिंक्स भी आ गया, हो गई फीडर फिनिश, हो गया हमारा काम। अभी हम लोग बुलाते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। गाइस देखिए इन्होंने वापस गिरा दिया। गाइस देखता हूँ दाना यहीं कहीं पड़ा होगा, खूब के एड्रेस पे पड़ा नहीं है, कॉफी एड्रेस पे भी नहीं यार, तो गया तो कहेगा ऑफिस बॉय दाना कहाँ पे है? दाना कहाँ है भजन? दाना कहाँ है? बोले देखता हूँ, शूटिंग कर रहे हैं गंदी बच्ची। हट गाय आज हम उसको नहलाएंगे, इसको नहलाएंगे सही है, नहलाएंगे चले गाय, जब हम अब इनको नहलाएंगे ना जब तो मिलते हैं, अभी छोड़े थोड़ी देर बाद मिलते हैं इससे सही हल था, तुम्हें नहलाएंगे आज, रोगी तुम बहुत रोना लेकिन तुम्हें आज नहला के रहेंगे। गाय अभी हम लोग वापस आ चुके हैं, अब हमें ऐसा उठाना है। क्यों यार इसकी साफ से गाइस तो साफ है यार, तो चलो तुम करो साफ, मैं जाता हूँ एल्सा के पास। अरे गाइस धूप में बैठने आ चुका है, धूप में बैठे वो गंदो एल्सा उड़ी कहाँ भाग गई गाइस, ये वैसे ही करती रहेगी पूरे टाइम।
गाड़ी अब तो फुल शरीफ हो चुकी है। पहले ना मैं इसको टांगे मारते ना ऐसे जंप मार के हमारे ऊपर आ जाती। जॉन को भी पकड़ के कूद देती थी पहले, अब तो जॉन बहुत बड़ा हो चुका है। आपने देखा होगा हम लोग जॉन जब लेकर आए थे कुत्ता था तो चूहा था। अब माशाल्लाह से देखिए इसका कद। ओए गंदा मिट्टी खा रहा, मिट्टी खा रहा। गाइस को ज़िबा कर दे, इसको ज़िबा कर दे। ऐसा ऐसे इसको ज़िबा कर दे। नहीं भैया ऐसा बोलिए मेरे दोस्त देखे। अलसा और इसकी आमन सामन हो चुका है और अलसा ने बोला पढ़ भैया, और उसने बोला चल मैं जा रहा हूँ मार। हो गया पुलसा। ओए होए नया कर दी। बस चेक करें, व्यू चेक करें आप, बस इस ज़मीन का व्यू चेक करें। चेक कर गाइस से चमार मार दो गाइस। मैं आपको शिराजी की अंडी दिखा रही हूं। हलाल करें पीछे। ओए हट तो अपने अंडा तो देखने दे। वो देखिए वो पड़ा हुआ, वो देखिए यहाँ पड़ा हुआ है, इधर ही पड़ा हुआ है। वे कहाँ चला गया गाइस? ये बैठ गई वापस, अभी खड़ी हुई थी। हाँ मैं कहाँ जाऊँ? नहीं मैं आपका धुना नहीं लेकर आऊँगा, शैम्पू। हाँ तो गाइस चलते हैं, मैं जाता हूँ नीचे शैम्पू लेने और इसका मोबाइल भी ले लेंगे। जब तो फंसी हुई है कहाँ जाएगी? ऐसा नहीं जा रही, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा हूँ वापस अंदर। गाइस देख रही मैं जा रहा हूँ तो एकदम से पीछे से निकल ही आ रही और मैं नहीं जा रहा तो चप्पलें उठा ली हैं, पहनता हूँ इधर से पहन पड़ेंगी और नीचे जा रहा। बंद कर दिया गाइस, रोशनी नहीं है तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। नहीं फ्लैश ऑन कर लेता हूँ, रुके। हो गया फ्लैश ऑन, अब मैं नीचे जा रहा हूँ। चलिए मैं अंदर से शैम्पू लेकर आऊँ फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस देख सकते हैं मैं अंदर से शैम्पू लेकर आ चुका हूँ। अब जल्दी से ऊपर चलते हैं और इसको इतना बड़ा शैम्पू, इतना बड़ा शैम्पू एल्सा इसी दो बिल्ली इसमें ना सकता। आ जाओ एल्सा को हमने ना एक महीने से नहीं बुलाया। ये दिन काम तो गाइस चले मैं फ्लैश ऑफ करूँ। हो गया फ्लैश ऑफ। हफीज भाई ये लो, मैं एल्सा को लेकर आ रहा हूँ, इसको भी नहला दो। गाय हफीज भाई मुर्गे को पकड़े, गाय ऐसा लगता है कसाई की मुर्गी वाला पकड़ते ऐसे ताकि एल्सा का बाउला। एल्सा एक नंबर की बाउला। गाय जी भारे ही भारे इसके मुंह पे हाथ मार के पकड़ लो, पकड़ना नहीं चाहिए बुरी बात होती है। ओए 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 फाइट हो गई, फाइट हो गई। मुर्गा वर्सेस मुर्गी, मुर्गा उड़ी भा उड़ी भा, मुर्गा वर्सेस मुर्गी करा रहा। हफीज़ भाई के साथ स्कैम कर दिया गाइस, हफीज़ भाई के साथ स्कैम कर दिया। क्या मैंने कैमरा ऐसे पोड़ा था, हल्का सा हिल गया ना तो गिर गया। हफीज़ भाई क्या चेक तो करो कैसे कैमरा पोड़ा था। हंस रहा है गाइस मेरे पे, उसको ठोक दूँ यार। मैं चप्पलें बाहर से लूँगा तो ये हिल जाएगी। मैं लेऊँगा चप्पलें बाहर से, क्या डरता हूँ मैं इससे? ये मोटी से मैं डरता हूँ, मोटी। हाँ क्या भागी भागी, आ जाओ आ जाओ, भागी भागी हमारे घर से। गाय इसको नीचे रहना पसंद है, ऊपर जब भी आती ना ऐसे नाटक करती है, जबान निकाल दिया ऐसे नाटक। जल्दी से बढ़ो और इसको लेकर आऊँ मैं। शैम्पू लिया तुमने मेरे से? शैम्पू भी ऐसा लेकर आया हूँ ऐसा कि हेयरफॉल होते ना वो ख़त्म हो जाएंगे। ये देखो ये देखो कैसा नया। चलो एल्सा को तो ले आओ ना अभी। देखिए आप लोगों को दिख रही है, आ जाओ आ जाओ। नहीं सुनेंगी यार ये गंदी बच्ची है, अच्छी पहले अच्छी पहले थी एल्सा, अभी एल्सा का बाउला पागल पागल को बोलते हैं मानिए बाउला, इसलिए हमें हाथ से एल्सा का बाउला। तो सही गाइस जब हफीज भाई इसको नहलाएंगे तो मैं आपसे मिलता हूँ। गाइस अभी एल्सा ना इसके अंदर घुसी हुई थी, पकड़ लिया भाई ने।
अब सारे कबूतर इससे डर चुके हैं, ये तो कबूतर से बहुत डरती है आपको पता है। जल्दी से तुम बस कबूतर को दाना मारो फिर एल्सा को पकड़ो। पकड़वा या आप पकड़ो, ये मेरे काम नहीं आपके काम। मुंह पे हाथ मार दो, मुंह पे हाथ मार दो डाकू। ओहो ओहो बंद करते हुए फिर भाई गाइस यार एक बिल्ली को नहलाने आए थे, इसने अपने सारे काम कर लिए, मेरा टाइम वेस्ट किया। उसको समझा यार टाइम वेस्ट नहीं करा करे यार, ओवर एक्टिंग बहुत करता ही है यार। उसको एक दफ़ा पकड़ के ना पिटाई लगवानी पड़ेगी बाबा से, फिर ये सीधा हो जाओ। फुल सही बात, एक दफ़ा पकड़ के बाबा से बोलेंगे बाबा इसको कूट दें तो सीधा हो जाएगा। डाकू भी पकड़ा गया है, डाकू को भी पकड़ लिया गया है। जल्दी से डाकू को बंद करो। चलो अब एल्सा की मोटी, पहले एल्सा को पकड़ो फिर नहीं लाओ। बस गाइस बहुत बड़ी वीडियो हो रही है, इसको समझ नहीं आ रही एक बात मैं बोल भी रहा हूँ। चलो बस खाओ मजे से दाना, दाना खाओ ना तुम लोग। चलो ये खाओ ना यार दाना, तुम्हारे लिए चलाते हैं एक और मुट्ठी डाल के। बस बहुत हो गया यार, एक मुट्ठी बस, बस एक पूरा दिन नहीं। इसको क्या पता मैं एक मुट्ठी का बोल के 10 मुट्ठी और डाल दूँ। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने कुछ करा नहीं करा। तोतों को डाल, मेरे तोतों को डाल, हाँ नहीं तो मेरे तोते अपने तोतों को डाल दिया। अपने जो इतने बड़े बड़े तोते रखे हुए, एक कान के ऊपर लटक रहा है, एक नाक के ऊपर लटक रहा है, मेरे तोते और मेरी फिंचेस कहाँ जाएंगी हैं, मेरे मुर्गे और मेरे मुर्गी कहाँ जाएंगी हैं। पकड़ता भी इसे पागलों की तरह, जाके उनको भी डाल के आ चल। अच्छा अच्छा दोस्त, तो गाइस ये बहुत पागल हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं दुनिया के सबसे बड़ा पागल आदमी यही है। चलते हैं अभी हम लोग गाइस, अभी ये जो नहीं है ये वाला, इसका नाम मुझे नहीं पता, रोशन, इसने वो खा लिया बकरे की 40 खा ली। मैनिया क्या मार रही गाइस, मार रही है प्लीज भाई को। इसका शैम्पू किधर गया? तुमने रखा है? मैंने थोड़ी ना, मैंने तो तुम्हें दे दिया, अंदर रख दिया वो तुमने वापस। ये रहा इसका शैम्पू, शैम्पू शैम्पू गाइस। ये वीडियो सनस्लिक के ऊपर क्या बोलते हैं ऑफिस में से, क्या बोलते हैं भाई से, एडवर्टाइजमेंट है। ये सनस्लिक ने हमें पैसे दिए हैं थोड़ी गाइस। हफीज़ भाई को मार दिया इसने, इतने बड़े बड़े पंजे घुसेर दिए अपने अंदर। थोड़ी यार हफीज़ भाई पागल हो गई पानी को देख के, लेकिन आज भले ही कुछ भी कर ले इसको नहलाना है, हमारा गोल है। मेरे ऊपर मेरे पास इसका गाइस हफीज़ भाई को नहीं छोड़ दूसरा हाथ तुम उठाओ। बस आ पानी में चली गई, अब नहीं कर सकती कुछ। हफीज भाई बैठा पटरे पे और डालो पानी इसके ऊपर, डालो ये ना हाथ में, हाथ में खून आ रहा है। नहीं कपड़े फाड़ दिए इसने, कपड़े फाड़ गाइस इसके नाखून भी काटने पड़ेंगे। तो सही हफीज भाई काट देना आज भी ना। अब ऐसा नहीं हिल सकती, अब ऐसा हो गई है बर्फानी रीच। सही है लो उसका शैम्पू। तो गाइस हम आपसे तब मिलते हैं जब एल्सा फुल नहा के रेडी होगी, क्योंकि हफीज़ भाई अकेले नहीं ले जा सकता, मुश्किल काम है तो मुझे भी मदद करनी। तो चलिए हम आपसे तब मिलते हैं गाइस। अब हम आपको एल्सा की लुक दिखाते हैं, उसको नहाने के टाइम कैसे हो जाती है गाइस, देखें कैसी हो चुकी है, ये क्या थी और क्या बन चुकी है। अब हफीज़ भाई इसको नहला रहे हैं गाइस, के बाल मेरी बॉडी पर आ चुके हैं, ये चीटिंग है यार। तो गाइस जब आप फुल होगी ना तो वो हम आपको वीडियो के एंड में दिखा देंगे। चले अभी इस वीडियो को जल्दी एंड करते हैं, बहुत लंबी हो चुकी है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा दूंगा। सही है, होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।